हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग इन गोवा। सो अभी मैं पणजी में हूँ गाइस, एंड मैं रिकॉर्ड करने आया हूँ, अपडेट देने आया हूँ यहाँ पे आपको कैसीनोज़ की। एक्चुअली आई वाज हैविंग सम वर्क टुडे, सो आई वेंट टू मडगांव एंड वहाँ पे वो वर्क कंप्लीट किया, एंड वापस आते समय मैंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, क्योंकि मैं पणजी में रुक के आपको अपडेट देना चाहता था कैसीनोज़ की। सो आई एम इन फ्रंट ऑफ दोज कैसीनोज़ ओनली करंटली, जो कि कैसीनोज़ का नाम है बिग डैडी, डेल्टन रॉयल एंड मैजेस्टिक प्राइड। सो ऑल दिस कैसीनोज़ आर ओवर हियर। मैंने रास्ते में आते हुए देखा कि कुछ क्राउड भी मुझे दिखा अंदर एंट्री कराते हुए, तो वो सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं अभी आपको आगे दूंगा, और नेक्स्ट शॉट में आपको कुछ कैसीनोज़ भी दिखाऊंगा। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो एंड एंजॉय करिए। गाइस देखिए, यहाँ पे किंग्स कैसीनो सबसे पहला क्रूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड इस तरफ वो छोटा सा हिल है, एंड सामने वो वाला क्रूज जो है डेल्टन रॉयल है। थोड़ा सा नाम आपको दिख नहीं रहा होगा तो जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ डेल्टन रॉयल एंड दिस इज़ किंग्स कैसीनो एंड दिस इज़ द फेमस बिग डैडी, दिस वन द फेमस बिग डैडी, एंड वहाँ पे है मैजेस्टिक प्राइड। आगे जो है दूसरा कुछ है, मैं नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं आगे आपको देख के बताऊंगा। सो आगे कुछ कैसीनोज़ हैं, आगे अभी चलता हूँ गाड़ी लेके, फिर आगे भी आपको दिखाऊंगा क्राउड जो एंट्री कर रहा है। तो होता है एग्जैक्टली क्या है, इनके ऑफिसेस यहाँ पे आगे ही बने होते हैं, तो फिर वो ऑफिस में आपको रिसेप्शन जिनको बोलते हैं, ऑफिस या रिसेप्शन भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे आगे बने होते हैं, फिर वहाँ पे आप जाते हैं एंट्री कराते हैं। एंट्री कराने के बाद में वो आपको बोर्ड से उस कैसीनोज़ में ले जाते हैं जहाँ पे आप जिस कैसीनो पर्टिकुलर कैसीनो में जाना चाहते हैं, उस कैसीनो में आपको बोट से ड्राइव राइड करा के फिर आपको वहाँ पे, जैसे कि बिग डैडी देख रहे हैं ये वहाँ का एंट्री पॉइंट है, तो वहाँ पे आपको ले जाएंगे और फिर अंदर वहाँ से एंट्री आपकी होगी, फिर अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बोट का सहारा लेना पड़ेगा उनके रिसेप्शन से, बोट फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पे करते हैं अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से बोट जाती है सारे कैसीनोज़ में, जो पर्टिकुलर कैसीनो होते हैं उनकी अलग अलग अपनी बोट्स होती हैं। तो चलते हैं जल्दी से आगे और देखते हैं क्राउड वहाँ पे। मैं निकल चुका हूँ गाड़ी पे, अभी हम चल रहे हैं आगे जो कैसीनोज़ के रिसेप्शन है वहाँ पे, देखते हैं कैसी सिचुएशन है, कैसा क्राउड है। और ये जो रोड है, ये अगर हम पीछे की तरफ जाएँ तो मीरामार एंड दोना पावला तक जाती है, बट अभी हम जा रहे हैं वापस पणजी की तरफ, तो देखते हैं आगे कैसा है। काफ़ी अच्छा मौसम है आज, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, तो बहुत अच्छा मौसम रहा, कूल। सुबह काफ़ी देर तक बारिश होती रही जिसकी वजह से मडगांव जाने में भी देर हुई, बट काफ़ी अच्छा रहा उसके बाद। दिन भर ऐसे ही बारिश होती रही, काफ़ी 4-5 दिन बाद आज बारिश का मौसम आया है। ट्रैफिक भी है क्योंकि कैसीनोज जब चालू हो जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अभी तो कैसीनोज़ बंद है तो थोड़ा ट्रैफिक कम था, क्योंकि आगे बसेस एंड कैसीनोज़ की कार वगैरह भी पार्क रहती हैं। अभी भी बारिश चालू हो गई थोड़ी, लाइक बौछार वाली, अगर तेज़ हो जाएगी तो गाड़ी साइड में खड़ी करके थोड़ा सा वेट करूँगा फिर आगे जाऊँगा। तो यहाँ पे जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वाले जो लोग हैं वो काफ़ी वेट कर रहे हैं बस का, इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर बोट जेटी का भी इधर वेट कर रहे हैं। तो ये जो पहला ऑफिस है ये डेल्टन रॉयल का है, जो कि मैंने क्रूज़ पीछे आपको दिखाया। यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक दिख रही है, इतनी नहीं बट थोड़ी बहुत पब्लिक दिख रही है अभी आसपास, थोड़ा रात में ज़्यादा बिजी रहता है बट अभी नहीं। तो चालू हो गए पूरी तरह से, ऑपरेशनल है बट 50% कैपेसिटी के साथ में, थोड़ी बहुत पब्लिक है बट जैसे जैसे लेट नाइट होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे पब्लिक बढ़ती जाएगी। स्टाफ भी यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है, एंड ये है कैसीनो प्राइड, यहाँ का कैसीनो प्राइड का ऑफिस है। अंदर एंट्री यहाँ से होती है तो रिसेप्शन पे जाने के लिए, तो ये भी ओपन है, पब्लिक भी है, क्राउड भी है, अच्छा लग रहा है काफ़ी देख के। यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, ये बिग डैडी का एंट्री पॉइंट था तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं। एक ये भी बिग डैडी का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से भी, वहाँ से एक्चुअली लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये वहाँ का रिसेप्शन है बिग डैडी का, अभी रात में काफ़ी फुल हो जाएगा, अभी तो सन्नाटा लग रहा है, थोड़ा ही बहुत क्राउड दिख रहा है।
सामने आप देख सकते हैं अटल सेतु, काफ़ी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड इस तरफ जो क्रूज वगैरह पार्क रहते हैं वही रिवर है। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा माहौल है। रात में चेंजेस आ जाएंगे, वीकेंड में तो और बिजी रहेगा यहाँ पे। वीकेंड में काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे, रिवर क्रूज़ वगैरह वहाँ सामने आप देख सकते हैं पार्क है। और ये वाटर मार्क एक कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रात में लगता है। देन दिस इज़ डेल्टिन जैक अनदर कैसीनो, रिवर क्रूज कैसीनो। ये उसका रिसेप्शन है, यहाँ से एंट्री है डेल्टिन जैक। एंड ये मजेस्टिक प्राइड का, यहाँ पे भी देखिए कितना क्राउड है, थोड़ा बहुत है अंदर लोग, बट रात होते होते यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये किंग्स कैसीनो का एंट्री पॉइंट है। तो आप ये अभी सिचुएशन पे मत जाइए गाइस, लेटर ऑन सिचुएशन बेटर हो जाएगी, मतलब रात में सिचुएशन धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। और जैसे जैसे वीकेंड आएगा, क्योंकि गाइडलाइंस अभी लेटेस्ट आई हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, जैसे जैसे वीकेंड आएगा और धीरे धीरे क्राउड यहाँ पे बढ़ेगा, बट प्रोटोकॉल फॉलो ज़रूर करें। आप भी यहाँ पे आए तो प्रोटोकॉल फॉलो ज़रूर करें। और अंदर एंट्री करने के लिए आपको कोरोना की दोनों डोज होनी चाहिए या आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए आपके पास। और लेफ्ट में जो कालंगूट ये सब जाने के लिए इस ब्रिज पे, जो नीचे वाला ब्रिज है उससे हम जाते हैं, क्योंकि जो अटल सेतु है उस पर टू व्हीलर अलाउ नहीं है। एंड ये सारे रिवर क्रूज हैं, रिवर क्रूज़ जो पार्टी वगैरह करते हैं इनकी भी परमिशन आ गई है, बट क्राउड अभी थोड़ा गोवा में कम है, है क्राउड बट इतना नहीं है, तो जिसकी वजह से ये अभी भी पोर्ट पे लगे हुए हैं। बट लेटर ऑन जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होगी, वीकेंड आते आते नेक्स्ट वीक, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जैसे जैसे क्राउड आएगा वैसे वैसे ये भी अच्छा होता जाएगा, ये भी फुल रहेगा। शाम से वही 4-5 बजे से चालू होते हैं, फिर रात में 11-12 बजे तक डिनर वगैरह देन पार्टी वगैरह होती है इन क्रूजेस पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। सो जो आपको शेड दिख रही है सामने, वो बस स्टैंड है पणजी, फेमस बड़ा बस स्टैंड, यही फेमस बस स्टैंड है पणजी का, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो आपको माटगांव जाना हो, कालंगूट जाना हो, मापसा जाना हो, कहीं पे भी जाना हो पणजी से, यहाँ से आपको बस ज़रूर मिलेगी। साउथ गोवा जाना हो, कहीं पे भी आपको जाना हो, बड़ा टर्मिनल है पणजी का, तो यहीं से आपको बस मिल जाएगी। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है गाइस। तो मैं अभी ऊपर ब्रिज पे आ गया हूँ गाइस, कालंगूट जाने के लिए। और यहाँ से व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये अटल सेतु कितना भव्य है, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है गाइस, तो जब भी आप ऊपर से जाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। और अभी जिस ब्रिज पे चल रहा हूँ काफ़ी ट्रैफिक है, तो काफ़ी स्लो चल रहा हूँ। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल, क्या कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी लंबा ब्रिज है ये, तो बहुत अच्छा लगता है ऊपर जाके। एंड सामने पूरा रिवर दिख रही है, जहाँ पे सारे कैसीनोज पार्क रहते हैं, जहाँ पे रिवर कैसीनोज चलते हैं। सो दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइस। गाइस सो और अभी मैं जल्दी से आ गया हूँ नेरुल पे, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। सो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकला पणजी से, और अभी नेरुल में आके रुका हूँ, तो बारिश रुक चुकी है। एंड अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो आपने देखा वहाँ की सिचुएशन कैसी है, कैसीनोज़ की कितने लोग हैं। धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया, आने वाले कुछ दिनों में बेटर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं वहाँ जाऊँगा, एक वॉकिंग टूर करूँगा उधर का, और हो सकेगा तो एक कैसीनो के अंदर भी जाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा प्रॉपर सिचुएशन कैसी है। बट आने वाले दिनों में अभी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, जैसे सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो आई विल ट्राई टू मेक अ व्लॉग ऑन दैट। ऑलराइट, सो टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ गाइस। एंड अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।